आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज न्यूज चैनल अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। लखीमपुर खीरी के विधानसभा धौरहरा के ग्राम पंचायत सरगड़ा में भाजपा सांसद रेखा वर्मा का हुआ आगमन। ग्राम पंचायत सरगड़ा में भाजपा सांसद रेखा वर्मा जी के द्वारा बांटी गई बाढ़ सामग्री, जिसमें SDM, BDO, ब्लॉक प्रमुख व अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले, लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा के ग्राम पंचायत सरगड़ा में सांसद रेखा वर्मा का आगमन हुआ और बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई। छतों पर बैठी हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसके एक हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हम चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, या मंत्री हों, या अपने देश के PM हों, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद में जिस पद को आपने दिया है उस पद की गरिमा बढ़ाते हुए हम सब लोग काम करते हैं। आप सबको बीच में निरंतर हम सभी लोग समय समय पे आते रहते हैं। 2014 से लेके लगातार मुझे दूसरी बार आप सब लोग सांसद बनाया है, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ही मैं लोकसभा धौरहरा की राजनीति कर रही हूँ। एक साधारण महिला को आप सब लोगों ने लोकसभा तक राजनीति करने के लिए भेजा, ये सब लोकसभा और सहयोग हमारे साथ रहा जो मैं आज आपके बीच में खड़ी हूँ। मैं आज केवल एक राशन वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन मैं बहुत समय से कार्यक्रम लगाना चाह रही थी और लगा भी कार्यक्रम, लेकिन इस गांव में हमारा आना अगले कार्यक्रम लगते रहे, लेकिन मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुई। बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी संख्या में कम समय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सबके आशीर्वाद लेने के लिए आज मुझे कुछ 2-3 विषयों को रख के अपनी बाड़ी को विराम देना होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम लगे हैं। हमारी सरकार 2014 से निरंतर अपनी जनता के हित में काम कर रही है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब नरेंद्र भाई 2014 में जनता दे भारत वर्ष की जनता से आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, सहयोग दीजिए, हम आपके हित में काम करेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में करेंगे, एक सेवक के रूप में काम करेंगे, निरंतर भारतीय जनता पार्टी उसी लक्ष्य पे आज काम कर रही है, निरंतर अपनी जनता की सेवा करने में लगी हुई है। योजनाओं के माध्यम से हम लोग आप लोगों को किसी तरह से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो अपनी कोई भी योजना आप उठा लीजिए। ऐसी हजारों हजारों योजनाएं 2014 में सरकार बनने के बाद और 2017 में UP में सरकार बनने के बाद निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक हमारी योजनाएं पहुंचे, उसका लाभ हमारी जनता ले। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे हमारे और भी जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर हम चिंता करते हैं और योजनाओं के माध्यम से आपको लाभ देने का प्रयास करते हैं। आज मैंने बाढ़ का दौरा किया, जितना भी क्षेत्र हमारा बाढ़ एरिया में आता है उसके हमने प्रमुख प्रमुख गांव लिए और 14 से निरंतर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि बाढ़ जैसी समस्या से किस तरह से निजात पाया जाए। बहुत जगह हम लोगों ने जिसको आप बंधा कहते हैं वो भी हम लोगों ने स्वीकृत करवाने का काम किया।